हम सब के अंदर एक नेगेटिव वॉइस है और ये वॉइस हमें बार बार हार मानने के लिए कहेगा जब सब कुछ मुश्किल लगने लगे। वो वॉइस, वो आवाज हमारे ट्रू पोटेंशियल को बिलीव नहीं करता है। वो बार बार हमें बस एक आसान रास्ता चुनने के लिए कहता है। वो बस आपको एवरेज लोगों के साथ घुल मिलकर रहने के लिए कहता जा रहा है। आप उस आवाज को मत सुनो। आपको ये बात हमेशा से याद रखना होगा कि आपके जीवन में अच्छी चीजें होने वाला है। आपको बस चलते जाना होगा। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो फिर आप वो जरूर कर पाओगे जो आप चाहते हो। आपके जीवन की दौड़ आपको ही भागना होगा, कोई भी आपके लिए नहीं भागने वाला। आपके अंदर ये बिलीव रखना होगा कि आपके अंदर नया कुछ तैयार करने की ताकत है। सब कुछ चाहे जितना भी मुश्किल लगे, आपको ये विश्वास रखना होगा कि आप जरूर सफल बनोगे। आपके सपने कभी भी आपको छोड़कर बहुत दूर तक नहीं चला जाएगा, सिर्फ आप ही बहुत दूर चले जा सकते हो। आपके सपने कभी भी आप पर गिव अप नहीं करेगा, सिर्फ आप ही अपने सपनों से गिव अप करोगे। सपने कभी भी मरता नहीं है, ये आपके अंदर ही रह जाता है जब तक ना आप उसे अपने जीवन में ना लेकर आओ। इस जहां में कोई भी सपना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हर एक सपने का एक प्रोसेस है, हर एक सपने का एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन आता है आपके बिलीव से। आपको हर वक्त एक के बाद एक स्टेप आगे लेते जाना होगा। आपके ऐसे छोटे छोटे स्टेप ही आपको उस मुकाम पर एक समय के बाद जरूर लेकर जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। आपको हर वक्त अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर बियॉन्ड द ड्रीम सोचना होगा। आप अपने अंदर कोई भी डाउट मत रखना, क्योंकि ऐसा कोई भी सपना है ही नहीं जिसे पाया नहीं जा सकता। आपको उस वक्त आस नहीं छोड़ना है जब कोई भी आस ना हो। आप अगर जीत के आस लेकर दौड़ोगे नहीं तो फिर आपको हताशा और निराशा से अपने पूरे जीवन को जीना होगा। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप तब तक के लिए पूरी दुनिया से गायब हो जाओ जब तक ना आप अपने जीवन से जो चाहते हो वो पालो। आप बस अपने ऊपर ही फोकस करो, आप बस अपने ऊपर ही काम करो, आप बस अपना बेस्ट वर्सन बनाने के लिए ही बस काम करती जाओ। आप अपने आप से ये वादा करो कि आप अब जहां पर हो आप अगले साल वहां पर बिल्कुल ही नहीं रहोगे। आप अपने जीवन से सारे नेगेटिव चीजों को निकाल फेंको। आप बंद कमरे में सैक्रिफाइसेस करते जाओ ताकि आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल जाए। आप अपना काम ऐसे चुपके चुपके करो कि एक समय के बाद आपके सफलता आपके लिए बोलने लग जाए। चाहे जितना भी वक्त लगे, आप सारे तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आपके काम ही आपको वहां पर ले जा सकता है जहां पर आप जाना चाहते हो। आपको उन सारे चीजों को ना कहने की ताकत रखना होगा जो आपको आपके सपनों से दूर कर दे। हमेशा ये बात याद रखना, आपको आपके भविष्य को कैसे बनाना है उसका सिद्धांत आपको ही लेना होगा, क्योंकि आप ही अपने तकदीर के लेखक हो।